हेलो दोस्तों, आपके सामने आप देख रहे हैं डिस्प्ले में एक नल का से पानी बहता जा रहा है। तो मेरे वीडियो इसी के बारे में, तो नल रिपेयरिंग कैसे करते हैं, तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अगर आप अभी तक मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उसे प्रेस करके मेरा चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपके पास ये दो पाना है, एक है पकड़ और एक स्क्रूड्राइवर है, तो आप आसानी से घर बैठे अब नल रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे नल रिपेयर होता है। आपको क्या करना है, आपको आपका घर का जो मेन कोक होता है बल्ब वाल्व, उसको बंद कर देना है सबसे पहले। उसके बाद में आपको हार्डवेयर से एक वाशर लेके रखना है। आपको बोलना है हार्डवेयर में स्प्लेंडर का स्पेंडल जो होता है नल का, उसका वाशर आपको 4-5 रुपए में वाशर मिल जाएगा। उसके बाद आप घर बैठे आसानी से नल रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नल का ऊपर का एक पार्ट आपको खोल लेना है, थोड़ा ठोक कर। देख सकते हैं मैं खोल रहा हूं। थोड़ा बैठ जाता है, थोड़ा आपको इसको ठोक लेना है। ठोक के आपको पीछे से, मैं जैसे खोल रहा हूँ इसको आपको खोलना पड़ेगा, आपको खोल लेना है। आप देख सकते हैं खुल गया है। इसको कंपनी का नल है ये जो मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ। इसके बाद आपको स्टार वाला पेचे का स्टार वाला कर लेना है, स्टार लगा लेना है। उसके बाद में आपको स्क्रू को खोल देना है, नल का जो स्क्रू होता है उसको खोल लेना है। और इसका हेड को आपको धीरे से ठोक के खोल लेना है, अगर टाइट होता है तो नीचे से धीरे से ऐसे ठोक के आपको खोल लेना है। पकड़ से जो नल का स्पेंडल होता है उसको आपको खोल लेना है। आप देख सकते हैं मैं अभी खोलूंगा इसको। आसानी से खुल जाता है, ये ब्रश का होता है जो स्पेंडल होता है, पार्ट्स होता है नल का ब्रश होता है। तो अब आपके जो वाशर है इसको ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वाशर का प्रॉब्लम होता है, वाशर का वजह से नल टपकता है, तो इसको आपको चेंज करना है। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास दूसरा वाशर है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये वाशर मैं लेके रखा था। आप कोई भी हार्डवेयर में जाएंगे तो आपको वाशर दूसरा मिल जाएगा। आपको खाली बोलना है स्पेंडल का वाशर, तो आपको हर वाशर का जो साइज होता है सेम होता है। तो आदमी इसको वाशर को आपको लगा लेना है। वाशर लगाने के बाद में आपको स्पेंडल जैसा आप खोलते हैं उसको आपको लगा लेना है। मैं लगाऊंगा। अगर इससे भी नहीं होता तो आपको ये स्पेंडल जो अभी मैं खोला था इसको आपको ये और हेड लेके जाना है, हेड लेके जाकर दूसरा स्पेंडल आपको, और स्पेंडल खराब हो जाता है तब नहीं तो आपका वाशर से जो मैं जैसे कर रहा हूँ वाशर से आपका काम हो जाता है। वाशर जो होते हैं 5 से 6 रुपए मिलते हैं, इससे आपको हो जाएगा। कोई की प्लम्बर कभी कभी आता है तो बोलता है ये नल खराब हो गया, नल का पूरा बॉडी चेंज कर देते हैं। बॉडी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको खाली ये वाशर चेंज करने के बाद में चेंज करने से आपका जो नल टपकना वो आसान से बंद हो जाएगा। इसके बाद में आपको इसको टाइट कर देना है, थोड़ा ज्यादा ताकत नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखना है। और फिर हेड को लगा देना है, हेड लगाने के बाद में स्क्रू जो आता है उसको फिर से लगा देना है, टाइट कर देना है। पहले वाइसर, उसके बाद में स्क्रू से इसको टाइट कर देना है। देख सकते हैं मेरा टाइट हो गया है स्क्रू। उसके बाद में आपको ऊपर का जो थांच खुला था उसको आपको ऐसे पुश कर देना है, धीरे से लगा देना है। देख सकते हैं मेरा नल टपकना जो है बंद हो गया। मैं आपको खोल के भी बताऊंगा, पानी खोल के, जैसे पानी खोल के चालू करके बताऊंगा। मैं बल्ब खोल दिया हूँ, बल्ब खोलने के बाद में पानी खोल दूंगा, खोल के आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं मेरा पानी आ रहा है, पानी इसको आपको थोड़ा चालू बंद कर लेना है। कभी कभार टाइट हो जाता है ये स्पेंडल खोलने के बाद में लगाने के बाद, नया वाशर जो होता है थोड़ा टाइट हो जाता है, तो एक दो बार आपको चालू बंद कर लेना है हेड को। देख सकते हैं मेरा पानी आ रहा है, ये रिपेयर हो गया है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।